हेलो स्टूडेंट्स आई वेलकम यू अगेन टुडे वी डिस्कस चैप्टर नंबर एट एक्सरसाइज एट एंड द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज एल्जैब्रिक एक्सप्रेशन सबसे पहले बेटा एल्जैब्रिक क्या होता है एलजैब्रिक का मतलब होता है वो की वो ब्रांच जहाँ पे हम एल्जैब्रक के बारे में डिस्कस करते हैं उससे पहले एक आपके पास चीज़ होती है बेटा वेरिएबल वेरिएबल का मीनिंग होता है जिसकी वैल्यू बार बार चेंज करे वेरी करे वेरिएबल जो वर्ड है उसको हम लिखते हैं वी ए आर आई बी एल ई वेरिएबल यानी कि वेरी जिसकी वैल्यू बार बार चेंज हो उसे हम क्या कहते हैं वेरिएबल या फिर हम उन्हें लिटरल्स भी कह सकते हैं ये होते क्या हैं ये आपके अल्फ़ाबेट होते हैं ए टू जेड ए टू जेड में से हम कोई भी सिंबल को वेरिएबल सपोज कर सकते हैं उसके बाद कुछ होते हैं कांस्टेंट कॉन्सटेंट का मतलब होता है कि जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती जो आपके मैथ के डिजिट्स होते हैं जीरो से लेकर नाइन तक इन्हें हम कांस्टेंट के रूप में इन्हें हम कांस्टेंट बोलते हैं अब जिस एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल भी होंगे कांस्टेंट भी होंगे और आपके बेसिक फोर मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई होंगे उसे हम कहेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ओके सो लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज एट ए विद क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर वन है बेटा आपके पास फर्स्ट पार्ट दिया है इन्होंने एक्स इज इंक्रीज बाय ट्वेल्व एक्स में ट्वेल्व को इंक्रीज करो यानी कि दिस बिकम एक्स प्लस ट्वेल्व वाई डिक्रीज बाय सेवन में से सेवन को कम कर दो द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इट मीन्स ए माइनस बी उसके बाद नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड y एडिड टू देयर सम उनके प्रोडक्ट में उनका सम प्लस कर दो तो प्रोडक्ट का मतलब होता है उनकी मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा एक्स माइनस वाई और उनका सम होगा एक्स प्लस वाई तो एक्स प्लस वाई उनका सम हो गया प्रोडक्ट उनका एक्स वाई हो गया दोनों को हमने ऐड कर दिया थर्ड क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है वन थर्ड ऑफ एक्स वन थ्री बाई एक्स मल्टीप्लाई करो सम ऑफ एंड बी तो सम बन जाएगा ए प्लस बी इन द सेम वे बेटा नेक्स्ट है फाइव टाइम एक्स फाइव टाइम का मतलब है मल्टीप्लाई करना फाइव टाइम एक्स फाइव एक्स एडिट टू सेवन टाइम वाई यानी कि फाइव एक्स प्लस सेवन वाई नेक्स्ट है सम ऑफ एक्स एंड कोशेंट ऑफ़ वाई बाई फाइव यानी कि एक्स के अंदर वाई बाई फाइव प्लस कर दो एक्स टेकन अवे फ्रॉम फोर फोर में से एक्स को माइनस कर दो इन द सेम वे रिमेनिंग पार्ट्स आप खुद कर सकते हैं नौ क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू देखिए बेटा स्टेटमेंट क्या बोली है रजनी स्कोर एट्टी मार्क्स इन इंग्लिश एंड इन इंग्लिश बेटा उसको एट्टी मार्क्स मिले हैं इंग्लिश में एक्स मार्क्स मिले हैं हिंदी में तो टोटल स्कोर क्या होगा दोनों को प्लस एट्टी प्लस एक्स ना क्वेश्चन नंबर थ्री एक्सपोनेंट में लिखना है एक्सपोनेंट में लिखने का मतलब होता है जो नंबर जितनी बार मल्टीप्लाई है उसकी पावर में लिख देना अगर हम किसी नंबर को किसी की पावर में लिखते हैं तो उन्हें एक्सपोनेंट फॉर्म कहते हैं अब देखिए यहाँ पे बी बी से फिफ्टीन टाइम मल्टीप्लाई है तो ये बन जाएगा b टू पावर फिफ्टीन नेक्स्ट y ट्वेंटी टाइम मल्टीप्लाई है तो ये बन जाएगा वाई टू पावर ट्वेंटी इन द सेम वे नेक्स्ट में सिक्स मल्टीप्लाई एक्स की पावर थ्री सिक्स एक्स टू टाइम है एक्स स्क्र वाई टू टाइम है वाई स्क्र और इसे पहले वाले में फोटीन ए फोर टाइम था ए की पावर फोर बी थ्री टाइम था तो बी की पावर थ्री इन द सेम वे और इन द सेम वे क्वेश्चन नंबर फोर है इसका अपोजिट है प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है यानी कि जितनी पावर है उतनी बार उस नंबर को मल्टीप्लाई करके लिख दो एक्स की पावर टू वाई फोर है तो एक्स को टू बार मल्टीप्लाई का सिंबल में और वाई को फोर टाइम में सिक्स वाई फाइव है तो सिक्स वन टाइम और वाई फाइव टाइम नाइन एक्स तो नाइन वन बार एक्स वन बार वाई टू बार और जेड वन बार सेम टेन ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब यानी कि टेन आ जाएगा ए थ्री टाइम मल्टीप्लाई बी थ्री टाइम और मल्टीप्लाई और सी थ्री टाइम मल्टीप्लाई सो दिस इज एट ए इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस एट बी टिल देन थैंक यू हैव अ नाइस डे स्टे होम स्टे सेफ